आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर मैथमेटिकल रीजनिंग. मैथमेटिकल रीजनिंग क्या होता है ये समझते हैं. तो हमें मालूम है कि पुराने समय में जब मनुष्य में सोचने की शक्ति नहीं होती थी, उसमें सारी एबिलिटी होती थी, पर वो ये डिसाइड नहीं कर पाता था कि वो अपनी उस एबिलिटी को किस तरह से यूज़ करे और किसी भी चीज़ का, किसी भी सेंटेंस का वो रीज़न किस तरह से दे सकता है. फिर धीरे धीरे साइंस डेवलप होते गया और मनुष्य में वो अपनी सोचने की शक्ति को बाहर लाते गया. जो भी वो सोचता था उसे वो करके दिखाता था और ऐसा होते होते हम आज के समय में पहुँचे हैं जहाँ साइंस इतनी तरक्की कर चुका है. तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है रीजनिंग पे कि कोई भी चीज़ का हम रीज़न किस तरह से बताते हैं. अगर हम कोई भी चीज़ बोलते हैं कि यहाँ पर ये फ़ैन घूम रहा है, तो हमें मालूम है कि ये घूम रहा है, पर ये क्यों घूम रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न है. ये सारी चीज़ें जो हम सोचते हैं, जो हम करते हैं और जिस चीज़ का हम रीज़न देते हैं, वो हम रीजनिंग में स्टडी करते हैं. कई चीज़ें होती हैं जिनका हम रीज़न मैथमेटिकली देते हैं, उन सभी चीज़ों को हम मैथमेटिकली रीजनिंग कहते हैं. अब रीजनिंग जब हम किसी भी चीज़ का देते हैं, किसी चीज़ का रीज़न देते हैं, तो वो डिपेंड करता है लॉजिक पे कि किसी भी चीज़ का हम लॉजिक किस तरह से लगा सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, बेबी होता है तब हम बोलेंगे कि वो गर्ल है या बॉय है. अगर हम बोल रहे हैं कि वो बॉय नहीं है, तब हम सिंपल लॉजिक से क्या बोलेंगे कि वो एक गर्ल है. तो इस तरह से किसी भी चीज़ का रीज़न एक लॉजिक पे डिपेंड करता है. तो इस चैप्टर में हम यही सब चीज़ें स्टडी करेंगे कि किस सेंटेंस को हम रीज़न, किस रीज़न से उसे सेंटेंस नहीं मानेंगे, किस रीज़न से उसे हम दूसरे टाइप का सेंटेंस लेंगे, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर स्टडी करेंगे. तो हमारा टॉपिक है मैथमेटिकल रीजनिंग. रीजनिंग यहाँ पर हम बार बार यूज़ कर रहे हैं. रीजनिंग हमने पढ़ लिया कि रीजनिंग क्या होता है, किसी भी चीज़ का तर्कपूर्वक उसे बताना, उसका रीज़न देना, हम रीजनिंग में स्टडी करते हैं. रीजनिंग भी हम दो तरह से स्टडी करते हैं. फर्स्ट इज़ इंडक्टिव रीजनिंग एंड सेकेंड इज़ डिडक्टिव रीजनिंग. हमने फोर्थ चैप्टर में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन स्टडी किया है. उस समय भी हमने कुछ रीजन्स देखे थे, कुछ सेंटेंसेस देखे थे और सेंटेंसेस को मिलाकर हमने एक कंपाउंड सेंटेंस भी बनाया था. मींस दो सेंटेंसेस से हमने उन दोनों को मिलाकर, उन दोनों को स्टडी करते करके एक थर्ड सेंटेंस बनाया था. तो इस टाइप का जब हम रीजनिंग स्टडी करते हैं तो उसे कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग, जो हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में स्टडी कर चुके हैं. एग्जांपल देखिए, अगर हम कहें कि 8 इज डिविजिबल बाई 2, ये एक सेंटेंस हो गया. अगर मैं सेकेंड सेंटेंस लिखती हूँ कि एवरी नंबर डिविजिबल बाई 2 आर इवन नंबर, तो फर्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा 8 इज डिविजिबल बाई 2 एंड सेकेंड सेंटेंस इज एवरी नंबर डिविजिबल बाई 2 आर इवन नंबर. तो इन दोनों सेंटेंस को रीड करेंगे तो हम एक थर्ड सेंटेंस बना सकते हैं इन दोनों सेंटेंस से रिलेट करके, दैट इज़ 8 इज़ एन इवन नंबर. कैसे? क्योंकि हमने फर्स्ट सेंटेंस दिया है कि 8 2 से डिविजिबल है और सेकेंड सेंटेंस हमने दिया कि जो भी नंबर 2 से डिविजिबल होगा उसे हम इवन नंबर कहते हैं. तो इस बेसिस पर 8 भी क्या हो जाएगा, एक इवन नंबर. तो इन दोनों सेंटेंस से रिलेट करके हमने एक थर्ड सेंटेंस का इंडक्शन किया, थर्ड सेंटेंस जनरेट किया. तो इस तरह का जब हम रीजनिंग पढ़ते हैं, इस तरह के रीजनिंग से हम एक थर्ड सेंटेंस जनरेट करते हैं, तब हम उसे कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग. ओके, नाउ सेकेंड इज डिडक्टिव रीजनिंग. डिडक्टिव रीजनिंग हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे.
इसमें हम जो भी सेंटेंस हमें गिवन होगा उस सेंटेंस को स्टडी करेंगे और उस सेंटेंस को स्टडी करके उसका रीज़न देते हुए हम ये बताएंगे कि वो एक स्टेटमेंट है या फिर नहीं है, और अगर वो स्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट क्यों है, स्टेटमेंट है नहीं है तो वो स्टेटमेंट क्यों नहीं है। ये सारी चीज़ें हम डिडक्टिव रीजनिंग में स्टडी करते हैं, वो हम इस चैप्टर में करेंगे और आगे स्टडी करेंगे। अब मैं यहाँ पर बार बार सेंटेंस वर्ड यूज़ कर रही हूँ। तो सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस हम इंग्लिश में भी स्टडी कर चुके हैं। सेंटेंस हम किसे कहते हैं? तो जनरली जब हम कन्वर्सेशन करते हैं तो हमारे दिमाग में जो चल रहा होता है, हम जो सोच रहे होते हैं उसको सामने वाले को बताने के लिए एक वर्ड का यूज़ करते हैं। एक कंप्लीट स्टेटमेंट हम लोग लेते हैं, उस जो भी हम कंप्लीट वर्ड लेते हैं उसे हम कहते हैं सेंटेंस। सेंटेंस किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है। तो इस तरह से अगर हम सेंटेंस को डिफाइन करना चाहें तो सेंटेंस हम डिफाइन कर सकते हैं और आइडियाज़ और थॉट्स कम्युनिकेटेड थ्रू सेंटेंसेस इन एनी लैंग्वेज। किसी भी आइडिया को या थॉट्स को सामने वाले को इंडिकेट करने के लिए किसी भी लैंग्वेज में हम जो सेंटेंस कंप्लीट यूज़ करते हैं, जो वाक्य यूज़ करते हैं उसे हम सेंटेंस कहते हैं। तो सेंटेंस एक कंप्लीट है। हम जो भी कन्वर्सेशन करते हैं, अभी मैं जो आपको बता रही हूँ वो भी एक सेंटेंस है। सेंटेंस के लिए शर्त ये रहती है कि वो एक कंप्लीट वाक्य होना चाहिए, इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए। ओके, सेंटेंस भी हम कई तरह से स्टडी करते हैं। हम स्टडी करते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? जिसमें एक एसेट्स हमें मिलता है, एक डिक्लेरेशन हमें मिलता है, उस टाइप के सेंटेंस को हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, तो कोई भी सेंटेंस हो जिसमें हमें कोई भी चीज़ डिक्लेरेशन मिल रही हो तो उसे हम इस सेंटेंस के अंतर्गत लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, अगर हम लिखें 7 इज लेस देन 10, तो 7 10 से लेस है। यहाँ पर हम ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि 7 इज़ लेस देन 10 और ये सेंटेंस ट्रू है। ओके, तो यहाँ पर ये एक सेंटेंस है और ये सेंटेंस कैसा सेंटेंस है? असर्टिव सेंटेंस, या हम उसी को डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। नाउ सेकंड हम लोग स्टडी करते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, जब किसी भी सेंटेंस में हमें नकारात्मक साइन मिलता है, अगर हम किसी भी चीज़ को नेगेटिव थॉट में लेते हैं तब हम उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इसी सेंटेंस को देखें तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, 7 इज नॉट ग्रेटर देन 10, 7 10 से ग्रेटर देन नहीं है। तो यहाँ पर हमने नॉट यूज़ किया है, ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये नहीं है। तो इस तरह का सेंटेंस जब हम लोग लेंगे तब हम इस सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे। नाउ थर्ड इज़ इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस हम किसे कहेंगे? जब किसी भी सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क का इंडिकेशन हो, किसी भी दूसरे व्यक्ति से हम क्वेश्चन करते हैं तो उस तरह के सेंटेंस को हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे अगर हम किसी से उसका नाम पूछते हैं, हम पूछते हैं व्हाट इज़ योर नेम, तो यहाँ पर हम सामने वाले से क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इस तरह के सेंटेंस को हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में लेते हैं। देन अगेन इज़ इम्परेटिव सेंटेंस। जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं या किसी को कोई कमांड देते हैं तो उस तरह के सेंटेंस को हम इम्परेटिव सेंटेंस में लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें ओपन द डोर, हम यहाँ पर एक कमांड दे रहे हैं कि ओपन द डोर, तो ये सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस हो गया। सेकंड टाइप है, अगर हम रिक्वेस्ट करते हैं तो उसे भी इम्परेटिव सेंटेंस में लेते हैं। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं गिव मी अ ग्लास ऑफ, अगर हम एक सेंटेंस देखें प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो यहाँ पर हम एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये सेंटेंस भी इम्परेटिव सेंटेंस में आएगा। नाउ लास्ट सेंटेंस इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस।
अगर किसी सेंटेंस से एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग हमें मिलती है, एक एक्सक्लामेटरी हमें मिलता है, तो उस सेंटेंस को हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में लेते हैं। जैसे अगर हम लिखते हैं, अगर हम एक सेंटेंस देखें, हुर्रे वी वॉन द मैच, तो यहाँ पर एक एक्सक्लामेशन मिल रहा है, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग मिल रही है। यहाँ पर जो फीलिंग है वो एक हैप्पीनेस फीलिंग है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में हैप्पीनेस फीलिंग भी होता है, सैडनेस फीलिंग भी होता है। तो जब एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग किसी सेंटेंस से इंडिकेट होता है, तब हम उस सेंटेंस को एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो इस तरह से एक सेंटेंस क्या है, जनरली अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को जिस रूप में हम सामने वाले तक पहुँचाते हैं, कन्वर्सेशन में हम यूज़ करते हैं, तो उस कम्प्लीट वर्ड के फॉर्मेट को हम सेंटेंस कहते हैं। और सेंटेंस भी यहाँ पर हमने देखा कई टाइप्स के हैं, असर्टिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब हम मैथमेटिकल रीजनिंग में क्या स्टडी करेंगे, तो यहाँ पर हमने ये लिखा है कि ये सारे चीज़ सेंटेंस हैं। अब इन सेंटेंस को हम किस तरह से यूज़ करते हैं, तो हम जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। फर्स्ट हमने लिखा है 7 is less than 10, तो 7 10 से लेस देन है, ये ट्रू है, एग्जैक्टली ट्रू है। और 7 is not greater than 10, ये भी एग्जैक्टली ट्रू है। देन थर्ड है, व्हाट इज योर नेम। अब यहाँ पर ये सेंटेंस ट्रू है, पर अगर हम इस सेंटेंस को अच्छे से देखें, तो यहाँ पर हम सामने, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है, ये डिक्लेयर नहीं हो पा रहा है कि किससे नाम पूछा जा रहा है, किससे ये सेंटेंस कहा जा रहा है। तो उस कंडीशन पर ये हम डिसाइड नहीं कर सकते कि ये सेंटेंस एग्जैक्टली ट्रू है या एग्जैक्टली फॉल्स है। तो जब भी हम मैथमेटिक्स में इस तरह का सेंटेंस स्टडी करते हैं, तब हम उस सेंटेंस को लेते हैं जो एग्जैक्टली ट्रू हो या एग्जैक्टली फॉल्स हो। अगर नॉट ट्रू या नॉट फॉल्स की कंडीशन हमें मिलती है, तब हम उस समय सेंटेंस को हम स्टेटमेंट नहीं लेते। अब हम यहाँ पर एक नया वर्ड यूज़ कर रहे हैं, स्टेटमेंट। तो यहाँ पर अब हम स्टडी करेंगे कि स्टेटमेंट क्या होता है। स्टेटमेंट को हम डिफाइन कर सकते हैं, अ सेंटेंस इज कॉल्ड मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल सेंटेंस इफ इट इज़ आइदर एग्जैक्टली ट्रू और एग्जैक्टली फॉल्स बट नॉट बोथ। किसी भी सेंटेंस को हम मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल सेंटेंस लेंगे अगर वो एग्जैक्टली ट्रू हो या एग्जैक्टली फॉल्स हो, पर दोनों कंडीशन हमें यहाँ पर नहीं मिलनी चाहिए। और वो जो मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल सेंटेंस हमें मिलता है, इस मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल सेंटेंस को हम कहते हैं स्टेटमेंट। तो जो भी सेंटेंस हमें गिवन है, उसे हमें एनालाइज करना है, स्टडी करना है, और ये बताना है कि वो सेंटेंस स्टेटमेंट है या फिर स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पर जो हमने लिखा है 7 is less than 10, ये हम देख रहे हैं कि ये सेंटेंस एग्जैक्टली ट्रू है, तो हम बोलेंगे कि ये सेंटेंस एक स्टेटमेंट है। सेकंड एग्जांपल देखिए, 7 is not greater than 10, यहाँ पर भी ये ट्रू हो रहा है क्योंकि 7 10 से ग्रेटर देन नहीं है, तो यह भी एक स्टेटमेंट है। देन थर्ड कंडीशन है, व्हाट इज़ योर नेम। व्हाट इज़ योर नेम कहने से हमें ये नहीं पता चल रहा है कि किससे ये सेंटेंस कहा जा रहा है, तो ये यहाँ पर ये सेंटेंस ट्रू है हम ये भी बोलेंगे, पर हम ये सेंटेंस ट्रू है नहीं है ये भी बोलेंगे। तो यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स दोनों कंडीशन हमें मिल रही है, तो इसलिए हम इसे बोलेंगे कि ये सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, नाउ थर्ड अगेन, ओपन द डोर। ओपन द डोर एक कमांड है, मतलब ये एक इम्परेटिव सेंटेंस है, पर यहाँ पर ओपन द डोर कहने से हमें यह नहीं पता चल रहा है कि किसे ये कमांड दिया जा रहा है, इसलिए ये सेंटेंस तो ट्रू है, पर इस कारण से ये फॉल्स है क्योंकि यहाँ पर ये डिक्लेयर नहीं हो पा रहा है कि ये सेंटेंस किसके लिए कहा जा रहा है, तो इसलिए हम इसे भी स्टेटमेंट नहीं लेंगे। तो
तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि अगर हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस मिलता है, इम्परेटिव सेंटेंस मिलता है या एक्सक्लामेटरी सेंटेंस मिलता है, तो उस कंडीशन पर हम ये डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं कि वो ट्रू है या फॉल्स है। तो इसलिए ये तीनों सेंटेंस जब हमें मिलेंगे तो उस कंडीशन पर हमें वो सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं मिलेगा। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखिए, अगर हम लिखते हैं दिल्ली इज़ कैपिटल ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर ये सेंटेंस है दिल्ली इज़ कैपिटल ऑफ इंडिया, ये सेंटेंस ट्रू है और ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, तो इसलिए हम बोलेंगे दिस सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट। ठीक है, अब अगर हम अगला एग्जांपल देखते हैं तो हम यहाँ पर लिखते हैं टुमारो इज फ्राइडे, तो टुमारो इज फ्राइडे अगर हम लिख रहे हैं तो यहाँ पर ये एक डिक्लेरेशन है कि कल फ्राइडे है। पर अगर हम इस सेंटेंस को एनालाइज करें तो अगर हम थर्सडे के दिन ये डिक्लेयर करते हैं टुमारो इज फ्राइडे, तो उस कंडीशन पर ये सेंटेंस राइट है। पर अगर हम वीक के और दूसरे दिनों में ये डिक्लेयर करें, अगर हम मंडे को ये कहें टुमारो इज फ्राइडे, तो ये कंडीशन रॉन्ग है। तो इसलिए यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स दोनों कंडीशन हमें मिल रही है, तो हम इस सेंटेंस को स्टेटमेंट नहीं ले सकते, दिस सेंटेंस इज नॉट अ स्टेटमेंट। ठीक है, तो इस तरह से हम ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि अगर हमें एक्सक्लामेशन मिलता है या हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिलता है, हमें इम्परेटिव सेंटेंस मिलते हैं या हमें कंडीशन मिलती है टुडे या यस्टरडे या फिर टुमारो, तो इन कंडीशंस पर जो हमें स्टेटमेंट मिलते हैं उस कंडीशन पर हम ये डिक्लेयर नहीं कर पाते कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या वो स्टेटमेंट फॉल्स है। तो इन सभी कंडीशंस में जो भी स्टेटमेंट हमें, जो भी सेंटेंस हमें मिलेंगे, उन सेंटेंस को हम स्टेटमेंट नहीं लेंगे। ठीक है, तो इस बेसिस पर हम क्या बोल सकते हैं कि जो भी हमें स्टेटमेंट मिलता है वो या तो असर्टिव सेंटेंस होते हैं या तो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। जब पर ज़रूरी नहीं है कि सारे असर्टिव और सारे नेगेटिव सेंटेंस को हम स्टेटमेंट लें, हमें बहुत सारे सेंटेंसेस स्टेटमेंट नहीं मिलते हैं और उन्हीं का हम रीज़न देते हैं, इसलिए हम इस चैप्टर का नाम मैथमेटिकली रीजनिंग कहते हैं। तो इस चैप्टर में मेनली हम यही स्टडी करेंगे कि कौन सा सेंटेंस स्टेटमेंट है, कौन सा सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं है और उनका हम रीज़न देंगे। तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 14.1 देखते हैं, यहाँ पर भी हमें कुछ से सेंटेंसेस गिवन है और उन सेंटेंसेस का स्टडी करके हमें ये बताना है कि वो स्टेटमेंट हैं या फिर नहीं है। तो हमें गिवन है विच ऑफ़ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट कंडीशन गिवन है, देयर आर 35 डेज इन अ मंथ, एक मंथ में 35 डेज होते हैं। तो ये कंडीशन तो रॉन्ग है, क्योंकि हमें मालूम है कि किसी भी मंथ में या 30 डेज होते हैं, 31 डेज होते हैं, या फरवरी में 28 या फिर 29 डेज होते हैं। तो किसी भी मंथ में 35 डेज नहीं होते, तो ये कंडीशन जो यहाँ पर गिवन है वो एग्जैक्टली फॉल्स कंडीशन है। तो इसलिए ये अगर एग्जैक्टली फॉल्स कंडीशन है तो हम बोलेंगे कि ये जो सेंटेंस है वो एक स्टेटमेंट है। ठीक है, देन सेकेंड कंडीशन देखिए, सेकेंड पे हमें गिवन है मैथमेटिक्स इज़ डिफ़िकल्ट, मैथमेटिक्स एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है। तो ये कंडीशन यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है, पर अगर हम अलग अलग लोगों के सोचने के हिसाब से देखें तो कोई ये सोचता है कि मैथमेटिक्स एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, पर किसी को ये सब्जेक्ट ईजी लगता है। मतलब हम यहाँ पर एग्जैक्टली ये डिक्लेयर नहीं कर सकते कि ये एग्जैक्टली डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है या इजी सब्जेक्ट है।
तो इसलिए यहाँ पर ये डिक्लेयर नहीं हो पा रहा है कि ये डिफ़िकल्ट है या फिर ईजी है, तो हम इस सेंटेंस को भी ये नहीं बोल सकते कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स दोनों की कंडीशन हमें मिल रही है, इसलिए हम इस सेंटेंस को कहेंगे कि ये सेंटेंस एक स्टेटमेंट नहीं है, दिस सेंटेंस इज नॉट अ स्टेटमेंट। ठीक है, देन नेक्स्ट इज द सम ऑफ 5 एंड 7 इज ग्रेटर देन 10। 5 एंड 7 का एडिशन हमें 10 से ग्रेटर देन मिलता है, तो अगर हम इसे ऐड करके देखते हैं तो ये हमें 12 मिल रहा है, मतलब ये 10 से ग्रेटर देन मिल रहा है। तो ये जो कंडीशन गिवन है वो एग्जैक्टली ट्रू कंडीशन है, इसलिए हम कहेंगे कि ये सेंटेंस एक स्टेटमेंट है। ठीक है, देन नेक्स्ट देखिए, हमें गिवन है द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज एन इवन नंबर। किसी नंबर का स्क्वायर एक इवन नंबर है, तो इसके लिए हम कुछ नंबर्स लेते हैं। अगर हम 1 लें तो 1 का स्क्वायर हमें मिल रहा है 1, अगर हम 2 लें तो 2 का स्क्वायर हमें मिल रहा है 4, अगर हम 3 लेते हैं तो 3 का स्क्वायर हमें मिल रहा है 9, अगर हम 4 ले रहे हैं तो 4 का स्क्वायर हमें मिल रहा है 16। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम ऑड नंबर्स ले रहे हैं और उनका स्क्वायर कर रहे हैं तो उसका रिज़ल्ट भी हमें एक ऑड नंबर ही मिल रहा है, पर अगर हम इवन नंबर ले रहे हैं और उसका स्क्वायर कर रहे हैं तब हमें यहाँ पर इवन नंबर मिल रहे हैं। तो लेकिन यहाँ पर ये डिक्लेयर नहीं किया गया है कि हम जब स्क्वायर कर रहे हैं जिस नंबर का वो ऑड है या फिर इवन है। हमें सिंपल ये गिवन है द स्क्वायर ऑफ अ नंबर, तो अ नंबर कहने से हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि वो कौन सा नंबर है, इवन है या फिर ऑड है। अगर यहाँ पर जो नंबर हमें दिया है वो इवन नंबर होगा ये, तो इस कंडीशन पर ये राइट है, पर अगर ये ऑड नंबर होगा तो उस कंडीशन पर ये सेंटेंस रॉन्ग है। तो यहाँ पर हमें एग्जैक्टली ये पता नहीं चल रहा है कि ये सेंटेंस सही है या ये सेंटेंस गलत है, इसलिए इस सेंटेंस को हम एक स्टेटमेंट नहीं लेंगे, दिस सेंटेंस इज नॉट अ स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हमें गिवन है द साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हैव इक्वल लेंथ। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के साइड्स के लेंथ इक्वल होते हैं। अब यहाँ पर इस सेंटेंस को हम लोग देखें तो ये सेंटेंस रोम्बस या फिर स्क्वायर के लिए ट्रू है, क्योंकि रोम्बस एंड स्क्वायर में उसके साइड्स इक्वल होते हैं। पर अगर हम यहीं पर दूसरे क्वाड्रिलेटरल देखें, हम अगर रेक्टेंगल देखें तो रेक्टेंगल में सारे साइड्स इक्वल नहीं होते, तो इसलिए यहाँ पर ये सेंटेंस कई क्वाड्रिलेटरल्स के लिए ट्रू है पर कई क्वाड्रिलेटरल के लिए वो फॉल्स है। तो यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स दोनों कंडीशन आ रही है, इसलिए इस सेंटेंस को भी हम स्टेटमेंट नहीं लेंगे। ओके, देन अगेन देखिए, आंसर दिस क्वेश्चन, आंसर दिस क्वेश्चन, यहाँ पर एक कमांड गिवन है, कमांड दिया जा रहा है आंसर दिस क्वेश्चन। और हमने स्टडी किया है कि कमांड जिस भी सेंटेंस में हो वो सेंटेंस होता है इम्परेटिव सेंटेंस, और इम्परेटिव सेंटेंस जब भी होगा तो वहाँ पर ये हमें स्टेटमेंट नहीं मिलता। तो हम इसे सिंपल लिख सकते हैं कि ये सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं है, या हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि आंसर दिस क्वेश्चन, ये कमांड तो दिया जा रहा है पर ये किस व्यक्ति को दिया जा रहा है ये यहाँ पर डिक्लेयर नहीं हो पा रहा है। देन सेवेंथ क्वेश्चन देखिए, हमें गिवन है द प्रोडक्ट ऑफ -1 and 8 is 8। -1 and 8 का प्रोडक्ट 8 है, तो हम इसे अगर प्रोडक्ट करके देखें तो ये हमें मिल रहा है -8, पर हमें यहाँ पर 8 गिवन है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया, और ये एग्जैक्टली फॉल्स कंडीशन है, इसलिए ये सेंटेंस को हम स्टेटमेंट मानेंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट इज द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ये कंडीशन एग्जैक्टली ट्रू है, इसलिए ये सेंटेंस एक स्टेटमेंट है। ठीक है, देन टुडे इज विंडी डे। टुडे इज विंडी डे कहने का मतलब
कि ये डिक्लेयर नहीं हो पा रहा है कि किस दिन के लिए ये कहा गया है, किस डे के लिए ये कहा गया है। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर टुडे हो, टुमारो हो, यस्टरडे हो, ये किसी सेंटेंस में होगा तो उस सेंटेंस को हम स्टेटमेंट नहीं लेंगे। तो ये सेंटेंस भी स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, हमें दिया हुआ है ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर। सारे रियल नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। तो अगर हम रियल नंबर देखें तो रियल नंबर हमें मिलता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। इन सारे नंबर्स को हम रियल नंबर कहते हैं। तो अगर वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, फ्रैक्शन में हो, सारे नंबर्स रियल नंबर हैं। तो अगर हम लिखते हैं माइनस वन, तो माइनस वन अगर हम लिख रहे हैं तो इसे हम इस तरह से भी इंडिकेट करते हैं, माइनस वन प्लस जे ज़ीरो। अगर हम लिखें वन तो भी हम इसे लिखेंगे वन प्लस जे ज़ीरो। अगर हम लिखते हैं पॉइंट फाइव तो भी हम इसे लिखेंगे पॉइंट फाइव प्लस जे ज़ीरो। तो हम ये देख रहे हैं कि हम कोई भी रियल नंबर ले, इस तरह से अगर हम लोग उसे लिख रहे हैं तो वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जा रहा है, और कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में ये लिखना अलाउड है। तो ये जो स्टेटमेंट यहाँ पर गिवन है, ऑल रियल नंबर आर कॉम्प्लेक्स नंबर, ये ट्रू है, इसलिए ये सेंटेंस एक स्टेटमेंट है, ओके। तो इस तरह से हम सारे सेंटेंसेस को रीड करके, एनालाइज करके ये बता सकते हैं कि कौन सा सेंटेंस स्टेटमेंट है और कौन सा सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं है। देन सेकंड क्वेश्चन देखिए, हमें दिया हुआ है गिव द थ्री एग्जांपल्स ऑफ सेंटेंसेस विच आर नॉट स्टेटमेंट। हमें थ्री ऐसे सेंटेंसेस बताने हैं जो स्टेटमेंट नहीं है। तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल इज द सम ऑफ एक्स एंड वाई इज ग्रेटर देन 20। एक्स एंड वाई का सम ग्रेटर देन है 20 से। अब अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो ये एक सेंटेंस है, पर x एंड y का सम 20 से ग्रेटर देन होना चाहिए, ये हमारा स्टेटमेंट कह रहा है। x एंड y की वैल्यूज देखें तो अगर x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू है 7, तो उस कंडीशन पर ये सम हमें मिलेगा 17, और ये कंडीशन फॉल्स हो गई। पर अगर यहीं पर x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू हमें मिल रही है 15, तो उस कंडीशन पर सम हमें मिल जाएगा 25, एंड 25 इज़ ग्रेटर देन 20, तो उस कंडीशन पर ये सेंटेंस राइट हो गया। तो यहाँ पर भी राइट एंड रॉन्ग दोनों कंडीशन हमें मिल रहा है, तो ये सेंटेंस भी स्टेटमेंट नहीं है। सेकंड देखते हैं, सेकंड हम लोग लिखते हैं इट इज़ हॉट टुडे। इट इज़ हॉट टूडे कहने का मतलब ये समझ हमें नहीं आ रहा है कि किस डे को हॉट डे डिक्लेयर किया जा रहा है, और यहाँ पर भी टूडे वाली कंडीशन है, तो ये भी सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। देन थर्ड एग्जाम्पल इज रायपुर इज फॉर फ्रॉम हीयर। रायपुर यहाँ से दूर है। अब ये सेंटेंस हमने कह दिया, पर यहाँ पर ये डिक्लेयर नहीं किया गया है कि हीयर के प्लेस पे कौन सा प्लेस है, मतलब हीयर किस प्लेस को कहा जा रहा है। ये किसी भी जगह के लिए कहा जा सकता है, दिल्ली, मुंबई या कोरबा। तो इसलिए यहाँ पर भी ये कंडीशन हो रहा है कि ये किसके लिए कहा जा रहा है, तो ये सेंटेंस भी स्टेटमेंट नहीं है। तो ये यहाँ पर जो हमने थ्री एग्जांपल्स दिए हैं, दिस ऑल आर नॉट स्टेटमेंट, ठीक है। तो इस तरह से हम सेंटेंसेस बताएंगे, और ये ऐसे सेंटेंस बताएंगे जो स्टेटमेंट नहीं है, ओके। तो आपको अब सेंटेंस एंड स्टेटमेंट में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। सारे सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं होते हैं, पर जो भी स्टेटमेंट हम लेंगे वो सेंटेंस एक होता है, ठीक है। तो आज हमने स्टडी किया कि मैथमेटिकल रीजनिंग क्या होता है,
सेंटेंस क्या होता है और किस सेंटेंस को हम स्टेटमेंट कहेंगे, किस सेंटेंस को हम स्टेटमेंट नहीं कहेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे कि किस तरह से दो सेंटेंसेस को मिलाकर हम कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे, या कोई कंपाउंड सेंटेंस अगर हमें दिया हुआ है तो उससे हम दो सेंटेंसेस किस तरह से अलग करेंगे, और सेंटेंसेस को इंडिकेट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।